मैं तो गाड़ी मेरी फंस गई है, निकाल रहा हूँ इधर। क्यों? ये स्लिप मार रही है, फंस गई है गाड़ी। यहाँ तो आप देख रहे हैं खुद ड्राइवर जो है थोड़ा ये बर्फ उठाकर थोड़ा अपने लेटरिन पेशाब के लिए रास्ता खोल रहे हैं, तो ये नेशनल हाईवे की बात है। अब 3 साल हो गए चलते हुए, हर साल यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सर अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, ऐसे ही कोई किसी घर से पानी लेते हैं वो भी नहीं देते हैं, कोई पानी की नहीं है यहाँ पे, कोई किसी की नहीं है, कोई भी आता है वही डांटता है सर हम ड्राइवर लोगों को। पिछले साल 28 दिन खड़े हुए इधर रोड के चलते, पूरे 28 दिन। सर हम यही कहना चाहते हैं रोड की हालत अच्छी होनी चाहिए, जैसे आज हम फंसे हुए हैं, हमारे लिए इधर मदद होनी चाहिए, कोई मदद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें कोई मदद नहीं है। The Jammu-Srinagar Highway, a 270-kilometer road connecting Kashmir Valley with the rest of the country, was ordered shut on Monday, January 11th, after a retaining wall collapsed at Kelamore Ramban. This is not the first time that the highway has been closed in the region for road repair. With ongoing four-laning work on the highway and heavy snowfall, the road has been opened and closed for traffic repeatedly since the onset of winter. Thousands of vehicles, including passengers and goods carriages, are stranded for days, sometimes weeks, on this road without any amenities. NewsClick spoke with some truck drivers stuck on the roads who have been facing difficulties as a result of these repeated blockades. हमें आज इधर हो गया, कम से कम 5 दिन फंसे हुए इस लाइन में। ना इधर सर को खाने की बंदोबस्त है, ना कुछ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है सर, सुबह बाथरूम जाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। इस वक्त जो है हम भी इसी नेशनल हाईवे के ऊपर ही रहते हैं, ये साथ में मेरा घर भी है, और हमारी जो है सरकार जो है इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंडर जो सरकार चल रही है हमारे इस स्टेट में, तो दावत तो बहुत कर रहे हैं ये, लेकिन ये नेशनल हाईवे की बात, जहाँ हम ये फोर वे है, इसकी आप तो देख ही रहे हो खुद कि इसकी हालत क्या है। पिछले 12 साल से हम यहाँ चल रहे हैं, लेकिन जो आज की हालातें चल रही हैं सर, ऐसी हालातें हमने आज तक नहीं देखी हैं। परेशानी है इधर रोड के चलते भी, तो बर्फ के चलते भी। बर्फ में तो चलो खाना तो बना लेते हैं, किसी में पूछा नहीं गवर्नमेंट ने, पर इधर लैटरिन बाथरूम तो होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 2 लैटरिन बाथरूम तो होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार तो बोलती रहती है, सरकार का यही काम है बोलना, काम तो करते नहीं है वो। अभी इधर ही देखो कितनी गाड़ियाँ फंसी है, इधर तक मशीन तक नहीं लगा रहे हैं। पिछले साल हम देखा था इधर बोल रहे थे हम चावल दे रहे हैं, ये जिस दिन 28 दिन खड़े हुआ ना, ये गवर्नमेंट तरफ से तेल आया है, खाना दे रहे हैं, वो किसी ने नहीं दिया। 1 किलो चीनी दिया तो बोल रहे थे हम 5-5 किलो चीनी दिया, 5-5 किलो चावल दिया, ये दिया वो दिया, 1 किलो चावल दे के तो चले गए बस, वो भी बोलेगा लाइसेंस लेके आओ नहीं तो नहीं मिलेगा लाइसेंस। और गाड़ी में 3 आदमी है, तीनों के पास लाइसेंस होता है, ड्राइवर के पास होता है लाइसेंस, खलासी के साथ भी किस टाइम होता किस टाइम नहीं होता, तो परेशानी है जी। सर मेरे को भी 5 साल हो गए देखते हुए इस 4 लाइन का काम लगा हुआ है, पर ये तो रोड पहले से भी बदतर हो गया हुआ है, इतना मतलब खस्ता हालत है, हमें आने जाने में भी इधर 10 दिन लगते हैं श्रीनगर में, ये 3 दिन का काम है, ये हमें 10 दिन लग जाते हैं जब हालात अच्छा होता है, बर्फ नहीं भी होता तब भी। हमें सर बहुत नुकसान होता है, मतलब यह कि 10-20 हज़ार हमारा किराया लगता है जम्मू से, तो उसमें हमें 2 हज़ार की भी मतलब आमदनी नहीं होती है। यहाँ पे आते हैं 10 दिन हमारे यहाँ पे टूट जाते हैं सर, यहाँ से जम्मू के लिए जाते हैं वापसी उधमपुर में 10 दिन टूट जाते हैं सर, हमें जो हमारी ट्रांसपोर्ट है हमें कोई फ़ायदा नहीं है चल के, तो हमारा बहुत नुकसान ही नुकसान पे नुकसान होया जा रहा है सर। देखो गाड़ी वाले को क्या चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए हमारे लिए, खाने पीने की बंदोबस्त होनी चाहिए, इस टाइम में भी कुछ हमारे लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। कोई बंदा इधर रात को मेरा गाड़ी फंस गया पीछे, हमने खुद 4 घंटे बर्फ निकाला खुद, अभी सुबह से डोजर नहीं आया इधर, सुबह हम खुद बेलचे से गाड़ी साफ किया सर, एक बार भी डोजर नहीं आया सुबह से। इस नेशनल हाईवे में कहीं जो हादसे भी होते हैं, जो गाँव में कोई बीमार भी होता है, कोई डिलीवरी केस भी होता है, उसको कैसे फिर वो गांव वाले इस नेशनल हाईवे के ऊपर चलो पहुंचा देंगे, तो इधर यहाँ इस नेशनल हाईवे की हालत तो देख रहे हो, फिर हॉस्पिटल में कैसे उसको पहुंचाएंगे। हमारा हर चक्कर में कोई ना कोई टायर खराब होता है, कुछ ना कुछ नुकसान इस रोड की वजह से हमें जाता ही जाता है। मेन प्रॉब्लम हमारे दिन बहुत टूटते हैं, पहले हमारी गाड़ियाँ 4-4 चक्कर भी लगाती थी श्रीनगर का, आज एक भी नहीं लगता है। जब पैसा ही नहीं कमाएगी हमारी गाड़ी तो हमारा किस्त कैसे जाएगी, अपना घर का काम कैसे चलेगा, हमारे लिए तो सारा ही नुकसान है।